राजस्थान में अपनी ही सरकार के सवाल खड़े करने के बाद बर्खास्त हुए कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अब तक नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर दी है। सोमवार को दिन भर चले हंगामे के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने ये मांग रखी है। पढ़वा गिरी करने के लिए नहीं भेजा, मुझे भेजा तो या महिलाओं के साथ उसकी अस्मत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन संसद में हंगामे और इंडिया शब्द पे बोलते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। वहीं प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की प्रमुख बैठक में कहा है कि केवल इंडिया नाम हड़पने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन ने भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। लोकायुक्त पुलिस को देख करके पटवारी निगल गया रिश्वत के पैसे, देखिए ये पूरे घटना का मामला वीडियो में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एसआई सर्वेक्षण को लेकर के आज मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। 24 जुलाई को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक यथास्थिति का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता है। वहीं ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने एएसआई को बताया 21 जुलाई 2023 को पारित वाराणसी जिले अदालत के आदेश में कोई कमजोरी या गलती नहीं है। जिला अदालत की ओर से पारित लिखित आदेश का एक सुरक्षा उपाय का उल्लेखन किया गया है जिसमें ये भी कहा गया है संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जो पेटिशन है मेंशन करेंगे तो मेरी लीगल ओपिनियन ये है कि इसमें इस ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, कोई गलती नहीं है और हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यही कहेंगे कि इस सर्वे को स्टे करने का कोई आधार नहीं बनता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबन के बाद संसद के बाहर विपक्षी सदनों ने सोमवार को सदन भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पूरा बवाल मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर के मचा हुआ है। आप सांसद सोमवार को सदन सत्र के दौरान दो महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मुद्दे को लेकर के बहस कर रहे थे। इस हंगामेदार सत्र के दौरान संजय ने वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने विरोध किया और उन्हें हाथ दिखाकर कुछ बोला। इनकी इस हरकत की वजह से उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं, लेकिन भारत के बेशर्म प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं। क्या बलात्कार की घटनाओं पे उनको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या दरिंदगी और हैवानियत की घटनाओं पे हत्या जो हो रही है वहाँ पर घर जलाए जा रहे हैं लोगों के, उस पे जवाब नहीं देना चाहिए? हमने क्या गुनाह कर दिया? 227 नोटिसेस थी, 267 के ऊपर किसी पार्टी को बोलने की अनुमति नहीं मिली। 15 मिनट तक हम लोग अपनी जगह पे खड़े होकर अनुरोध करते रहे, बाद में सारे लोग बेल के अंदर जाते हैं, टारगेट करके मुझे सस्पेंड कर दिया गया। क्या तरीका है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है?